आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। पीजीबीटी कॉलेज बिलासपुर में वरिष्ठ प्राध्यापक यूई वारे और एस उषामणि के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसके संयोजक डीके जैन और भूतपूर्व एमएड व बीएड के छात्र छात्राएं रहे। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी सेवानिवृत्त एमएड प्रभारी उपस्थित रहे। सभी छात्र छात्राओं ने मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष राय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, दुर्घटना मुक्त भारत और माधव नेत्रालय नागपुर, जो कॉलेज के भूतपूर्व छात्र रह चुके हैं, वो भी उपस्थित थे। श्री राय ने कहा कि वारे सर जैसा व्यक्तित्व शिक्षा जगत के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहकर सितारे की तरह पूरे जगत को प्रकाशमान करता रहा है। उनकी सहज और मदद करने की प्रवृत्ति उनको सबसे अलग बनाती है। सेवानिवृत्त प्राध्यापक क्षमा त्रिपाठी ने कहा कि वारे जी और उषामणि जी ने अपना पूरा जीवन बच्चों को समर्पित कर दिया। ऐसे लोगों की कमी सभी को खलेगी। डीके जैन, हॉस्टल अधीक्षक, ने कहा, हमारा कॉलेज दो रत्नों को खो रहा है और आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं। वारे जी ने इस अवसर पर बहुत ही दुखी मन से कहा, सेवानिवृत्त एक प्रक्रिया है, मगर मैं हमेशा शिक्षा जगत के लिए उपलब्ध रहूंगा। इस अवसर पर संस्था की प्राचार्य रमाकांती साहू भी उपस्थित रहीं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्याभूषण शर्मा, अरुण पौद्दार, यशवंत कुशवाहा सभी पूर्व छात्र छात्राओं का योगदान रहा। मंच का संचालन कृष्ण कुमार चंद्रा ने किया। देखिए, इंसान जब वानप्रस्थ में जाता है और अपनी सेवा संपूर्ण करने के बाद जीवन के एक ऐसा, जिसको मैं कहता हूँ, तपस्या का समय होता है, अंतिम समय भी होता है, और सामाजिक जीवन में जाता है। एक तो पहले गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करने के बाद जब भी इंसान सेवानिवृत्त होता है तो कई सारे यादें, कई सारे उपलब्धियाँ, कई सारे आत्मीयता, ये सारी चीज़ें लेकर वो जीवन से सेवानिवृत्त होता है, सर्विस से सेवानिवृत्त होता है। और मेरे लिए ये उन्नत शिक्षा संस्थान जो अध्ययन केंद्र है, ये अपने आप में जीवन का एक मेरे लिए माइलस्टोन रहा है, जिसको हम पीजीबीटी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें से मेरे एक आत्मीय हमेशा उल्लास वारे सर रहे हैं, उषामणि मैडम, ये लोग मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मार्गदर्शक की भूमिका आज भी निभाते हैं। जब मैं सार्वजनिक जीवन में जीता हूँ और जब मैं पहले टीचर था और बीएड स्टूडेंट भी रहा, तो उस समय भी उन्होंने पूरे प्यार और मार्गदर्शन से मेरा मार्गदर्शन किया है। तो मुझे लगता है आज उनके सेवानिवृत्त होने पर पीजीबीटी कॉलेज के जितने भी भूतपूर्व छात्र हैं, मैं सिर्फ अकेले नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 2003 आज 19 वर्ष बाद भी मैं वही बिल्डिंग में वापस आने के बाद मुझे लगता है कि शायद वही मैदान, वही गलियां, वही कमरे, वही हॉल जहाँ आज मैं बैठ के सर के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, तो शायद अंदर से कहीं ना कहीं मुझे वो रोना आ रहा है, वो फीलिंग, वो भावना आ रही है कि मुझे वारे सर डांटते हुए कि यहाँ क्लास है वहाँ अटेंड करो, कभी क्षमा मैडम बोलती थी, तो ये फीलिंग और भावना को मैं शायद शब्दों में बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, मैं चाहूँगा कि वारे सर की जो प्रेरणा है, उनके जो मार्गदर्शन है, ऐसे लोगों को आने वाले शिक्षकों को हमेशा मिले और शिक्षक गण समाज में जाकर बच्चों को जो भविष्य है कल के, उनको वो मार्गदर्शन और वो शिक्षा भी दे, ताकि वारे सर जैसे लोग शिक्षा जगत में एक नए चमकते हुए सितारे की तरह हमेशा उज्ज्वलमान रहे, प्रकाशमान रहे। बस मेरी यही शुभकामना है। ये आपका शुक्र है डॉक्टर मनीष राय। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर वारे सर और मनी मैडम के सम्मान समारोह में। वास्तव में ये दो ज्योतियाँ हैं, दो प्रकाश हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जो सम्माननीय हैं। और वारे सर के व्यक्तित्व के बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँगी तो यही कहूँगी, एक सरल व्यक्तित्व और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी रहे हमारे वारे सर। और उनके जाने से IIC को एक बहुत बड़ी, बोलना चाहिए, कमी होगी उनकी, क्योंकि उन्होंने जितने अच्छे तरह से हम विद्यार्थियों को समझा है, जितने अच्छे तरह से हम लोगों के बीच में वो अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, और सरल और सहज तरीके से, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम चाहे हमारी व्यक्तिगत लाइफ का हो, चाहे हमारे कॉलेज से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, उन्होंने हमेशा इसको हल करने का प्रयास किया है। और सर के लिए मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोल पाए, इनके लिए बोलना मतलब सूरज के सामने दिया दिखाने के समान है। और मैं सम्माननीय सर जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगी अपने आप। आपका शुक्रिया। मैं नाम शीला शर्मा, मैं इस महाविद्यालय में 2003 से 30 जून तक कार्यरत रहा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कुछ जो पुराने छात्र थे, उन लोगों ने आज के दिन मेरा और आदरणीय उषामणि मैडम का विदाई समारोह यहाँ आयोजित किया है। उस उपलक्ष्य में सब पुराने छात्र यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर विभाग की बात करता हूँ।
बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।